नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन बढ़ाने का राज्य सरकार ने लिया निर्णय। बुधवार को कैबिनेट बैठक में हुई इस विषय पर चर्चा। देश भर में तीसरे चरण की टीकाकरण मुहिम 1 मई से हो रही शुरू, लेकिन महाराष्ट्र में मुहिम को नहीं होगी शुरुआत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा। मंगलवार को देश में 3,62,787 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इस बीच 3,285 मरीजों की हुई मौत। पारसियों ने बदला अंतिम संस्कार का पुरातन तरीका। कोरोना के कारण अब करेंगे अग्निदाह। पारसी पंचायत पदाधिकारियों ने दी मंजूरी। रंजीत सफेदकर द्वारा बनाए गए राजमहल नामक रिसोर्ट, लॉन और सभागृह को कामठी नगर परिषद द्वारा बुधवार को तगड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच किराया। 24 घंटे के भीतर जिले में 26,525 लोगों की गई जांच, इनमें 7,503 लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि। सुबह की भीड़ पर अब भी नियंत्रण नहीं। प्रशासन द्वारा दी गई छूट का फायदा उठा रहे लोग। सब्जी मंडियों में दिख रही भीड़। बिना परीक्षा दिए बीएड कॉलेज के 13 छात्र हो गए फेल। कोविड के कारण नहीं हुई थी परीक्षा। ईवी ने जारी किया था नोटिफिकेशन। शिक्षक को लूटने वाले 4 गिरफ्तार। दोस्त ने रची थी साजिश। हुडकेश्वर थाना अंतर्गत का मामला। पुलिस के हाथ लगा चेन स्नैचर। चोरी लूटपाट सहित 5 वारदातों को दिया था अंजाम। शांतिनगर पुलिस की। वीसी न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीसी न्यूज। नमस्कार।